गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 13वां लेक्चर बना रहे हैं। आज हम लोग के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फैराडे, मिस्टर माइकल फैराडे, अगर आप इसका नाम सुने होंगे, बहुत बार सुनने को मिलता है ये नाम, ठीक है। आगे मिलेगा भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो इनका नाम कभी नहीं मतलब पीछे छूटेगा। हर मतलब सब्जेक्ट्स में एक बार ये नाम आ जाएगा, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। माइकल फैराडे ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको फैराडेज के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे पंखा आप देख रहे हैं चल रहा है, मोटर चल रहा है, ये उनके प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसा सारा डिवाइसेस यूज होता है। ये आगे आपको मिलेगा इंजीनियरिंग सेक्शन में, थर्ड सेमेस्टर में आप इंटर करेंगे तो आपको टीचर्स समझाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो मैं एक बार बोलूँगा कि आप 12वां लेक्चर देखें, ठीक है। बीच में गैपिंग हो गया तो आप 12वां लेक्चर देखने के बाद ही 13वां लेक्चर देखें। इसको स्टॉप कीजिए अभी और 12वें लेक्चर को एक बार स्टडी कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस से ही ये बनेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पहले आपको ये समझना है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस समझ जाएंगे तो फिर हो गया, फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस की दुनिया में क्या अलग बात बताया, क्या कुछ खास बात बताया, हम लोग यहीं पर स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं तो माइकल फैराडे, ठीक है, क्या किया इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है पहले ये समझिए। दो इलेक्ट्रोड्स हम लोग लेते हैं, ये इस तरह का दो इलेक्ट्रोड्स होता है हमारे पास, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है एक डब्बे में डूबा हुआ रहता है, लिक्विड्स में डूबा रहता है, उस लिक्विड्स को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट, वेरी गुड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड में वायर कनेक्ट होता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ओके। इसके बाद हम इसमें बीच में एक सेल प्रोवाइड करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ठीक है। और इसमें एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ठीक है। एनोड कैथोड कैसे डिसाइड होता है ये मैं आपको उस चैप्टर में बता चुका हूँ, इसलिए आप एनोड कैथोड को समझिए अच्छे से उस पिछले लेक्चर में जाके, एनायन केटायन भी समझाया हूँ मैं। तो किसी एक इलेक्ट्रोड से आयन्स टूटेंगे, एटम्स टूटेंगे, निकलेंगे, ये इसको कहेंगे लिब्रेट होना, ठीक है। लिब्रेट, टूटना, अगर ये कम पतला हो रहा है, इसमें से टूटते जा रहा है, ये पतला हो रहा है, एटम्स पतला हो जाएगा, लिब्रेट होना कहेंगे। और दूसरा में वो आयन्स घूमते घूमते इसके पास आएगा और इसमें डिपॉजिट होगा, जमा होगा ऐसे चारों साइड, ठीक है। इसको बोलेंगे डिपॉजिट होना, जमा होना। तो यहाँ पर दो बातें आईं, एक से लिब्रेट होता है और एक से डिपॉजिट। तो ये लिब्रेट और डिपॉजिट दो शब्द इसमें यूज होगा। लिब्रेट का मतलब होता है किसी से क्षय होना, टूटना, और डिपॉजिट का मतलब होता है किसी में जमा होना, ठीक है, या बैठ जाना। तो यहाँ पर मैं जनरली जब इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा तो ये दो अंग्रेजी के शब्द यूज़ करूँगा, लिब्रेट और डिपॉजिट, ओके। और इसमें और भी शब्द आएंगे, करंट, चार्ज, ये सब आएंगे। तो ये सब बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो चलते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर्स पे बात करते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, उसने क्या बोला, ठीक है। उसने क्या किया, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे या इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर करके देखा, एक बार इलेक्ट्रिसिटी पास किया, छोटा बैटरी दिया, बड़ा बैटरी दिया, ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये वो हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अलग अलग करंट दे दे करके देखा, पहले 1 एम्पियर दिया, आधा एम्पियर दिया, 1/4 एम्पियर दिया, वो इस एक्सपेरिमेंट को हजारों बार किया। जितनी बार एक्सपेरिमेंट करता था तो उसमें से कुछ आयंस, कुछ एटम्स इसमें से लिब्रेट होते थे और इसमें डिपॉजिट होते थे, करेक्ट। उस सारे को कॉपी में लिखते चला गया, ठीक है। जब उसके पास ढेर सारे डेटाज आ गए तो उस डेटा को बारीक से स्टडी किया, बहुत नज़दीक से स्टडी किया, इसमें है कुछ खास बात, ठीक है, और उसको खास बात पता चला, ठीक है। तो उस एक इलेक्ट्रोड से एटम्स का लिब्रेट होना, दूसरे इलेक्ट्रोड में एटम्स का डिपॉजिट होना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जानते हैं आप। लेकिन इसमें कितना करंट देने पर कितना एटम लिब्रेट होगा, कितना डिपॉजिट होगा,
इसकी स्टडी फैराडे ने की, और फैराडे ने स्टडी करने के बाद दो मेन लॉ, दो स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट दिया जो कि आगे चल के फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाया, दो लॉ। तो यही हम लोग यहाँ पर फैराडे का दो लॉ स्टडी करने वाले हैं, फैराडे के दो नियम हम लोग देखेंगे। चलते हैं, तो मैं लिख रखा हूँ, पहले ही लिखना है क्या, उसी बात को जो हिंदी में मैंने बोला उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। मिस्टर माइकल फैराडे इन 1834 हैज़ कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट विच पास्ड, ठीक है, विच पास्ड नोन करेंट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में। नोन करंट का मतलब जो जानते हैं हम लोग, जितना मतलब एक एम्पियर, दो एम्पियर, हमको पता है कितना करंट दे रहे हैं, ये बोल रहा हूँ, उनको पता था ये कितना करंट देना है, कभी ज़्यादा कभी कम। ही वेटेड द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वह जो जिस इलेक्ट्रोड में टूटा और किसी में जमा हुआ उस इलेक्ट्रोड के, ठीक है, जो सब्सटेंस थे, टूटे हुए सब्सटेंस थे, उनको वेट करके देखा कि पहले इसमें 10 ग्राम था, अब 15 ग्राम हो गया, यानी 5 ग्राम इसमें जमा हो गया, कितना करंट देने पर 5 ग्राम जमा हुआ, फिर और ज़्यादा करंट दिया, उससे ज़्यादा डिपॉजिट हुआ। तो इस तरह से अलग अलग करंट पे अलग अलग वेट को डिपॉजिट करके देखा, अलग अलग मतलब तौल के देखा। ही कंक्लूजन इन जनरलाइज द रिजल्ट एंड द स्टेटेड द कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ टू रिलेशन, इन सब बातों को वो अच्छे से समझा, ठीक है, बढ़िया से उसको समझने के बाद उसने कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकाला कि इसके दो नियम बन सकते हैं, ठीक है, और वही आगे चल के लॉज के रूप में काम किया। इसी को हम लोग फैराडे का, ठीक है, रिलेशन या लॉज कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो चलते हैं, उसने क्या कौन कौन सा नियम दिया था। तो फैराडे फर्स्ट लॉ को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट लॉ होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट लॉ अच्छे से देखेंगे समझेंगे। मान लिया ये एक बीकर है और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, आगे चल के पिक्चर भी बनवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से मैंने एक बैटरी जोड़ा और इसमें मैंने ऐसे दे दिया, इसको मैं इलेक्ट्रोलाइट में डुबा दिया, ठीक, यहाँ तक तो आप जान रहे हैं। आप इसमें करेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रोड से आयंस का, ठीक है, डिपोजिशन होगा, मतलब लिब्रेशन होगा, और दूसरे में डिपोजिशन होगा, जमा होगा, एक में टूटेगा और एक में जमा होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि कितना करंट हम दे रहे हैं हमको पता है, ठीक है, कितना करंट दे रहे हैं हमको पता है, पहले करंट के बारे में पता कर लिया, यानी करंट नहीं सर, चार्ज, क्या यहाँ पर बोलेंगे, चार्ज, चार्ज को क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से, कुलाम्ब इसका यूनिट होता है, जानते होंगे, कितना चार्ज प्रोवाइड, क्योंकि बैटरी के अंदर चार्ज मौजूद होते हैं, चार्ज कितना दे रहे हैं ये उसको पता था, ठीक है। जब वो चार्ज दे रहा था तो शुरुआत एक्सपेरिमेंट को समझिए, 10 कुलाम्ब चार्ज दिया, तो उसने 10 कुलाम्ब चार्ज देने के बाद इसमें से कुछ, ठीक है, सब्सटेंस ये टूटे, पतला हो गया और इसमें जमा हो गया, मोटा हो गया, तो जो टूटा वही जमा हुआ, तो ये जो पार्ट वेट में आया इसको तौला, यानी मैंने क्या बोला, 5 कुलाम्ब चार्ज दिया, मान लिया 5 ग्राम आया, ठीक है, 5 कुलाम्ब चार्ज में कितना ग्राम लिबरेट हुआ, 5 ग्राम, या डिपॉजिट, लिबरेट होगा तो दूसरे में डिपॉजिट होगा ही, तो सोचा फिर चलो देखते हैं 10 कुलाम्ब देते हैं, 10 कुलाम्ब चार्ज, ये क्यू है और ये डब्ल्यू है, दो चीज पे रिलेशन इसने पहला बनाया, डब्ल्यू और क्यू, याद रहेगा, डब्ल्यू मतलब होता है वेट ऑफ, ठीक है, लिबरेटेड एटम्स और डिपॉजिटेड एटम्स, डब्ल्यू ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, दोनों बात है, इससे लिबरेट होगा तो इसमें डिपॉजिट होगा, करेक्ट। तो क्यू का मान 5 कुलाम, 5 ग्राम, 10 कुलाम, पता चला 10 ग्राम हो गया सर, ठीक है, फिर बोला अच्छा देखते हैं 15 कुलाम दे के देखते हैं, 15 ग्राम हो गया। तो इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक खास बात पता चला, क्या खास बात, आपको भी पता चल गया होगा कि जैसे जैसे चार्ज हम बढ़ाते हैं, यानी एटम्स का लिब्रेशन, यानी यहाँ से टूटना और इसमें डिपोजिशन का मान, वेट का मान बढ़ता है, ठीक है, और इसी वजह से एक रिलेशन बना दिया, दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, जो वेट यहाँ निकालेंगे तोलेंगे, और डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ऑन इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, क्यू, चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर मैंने इसको डेराइव करने की बात सोची, मैं डेराइव करने जा रहा हूँ। चलिए मैं डेराइव करता हूँ आपके सामने। इफ डब्ल्यू ग्राम ऑफ वेट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ध्यान सुनेंगे, डब्ल्यू ग्राम वेट, ये डब्ल्यू ग्राम वेट है, और उस समय क्यू चार्ज आप दे रहे हैं, कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं, डब्ल्यू ग्राम वेट में क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, डब्ल्यू बढ़ता है, उसने एक फाइनली उसने बोला कि डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एक रिलेशन बना दिया। ये मैंने नहीं बनाया, उसके हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको, इसमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब ये डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हुआ। अब आप पूछेंगे W क्या है, तो ऊपर लिखा हुआ है W वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट, यहाँ तक क्लियर हो गया। Q क्या है, Q को मैंने लिखा है, ठीक है, Q का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान से सुनेंगे, Q का मतलब क्या मैंने बोला, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला हो गया। या इसी को किसी किसी किताब में बोलता है नंबर ऑफ कूलम्स, नंबर ऑफ कूलम्स, क्या बोलता है, नंबर, कितना कूलम्ब चार्ज, चार्ज में लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं, जब हम आपको 10th क्लास लेवल पे लाते हैं तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, करंट का डेफिनेशन जानते हो, ठीक है, थोड़ा करंट के डेफिनेशन पे आइए। तो बोला हाँ सर करंट का डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ा होगा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यहाँ तक सही है। यानी कि आप करंट का डेफिनेशन कैसे देंगे, यहाँ ठीक है लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, देखिएगा, ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू, आई स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं कैपिटल, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, जहाँ पर Q जो है चार्ज को इंडिकेट करता है और T टाइम को इंडिकेट करता है, करेक्ट। यानी यहाँ पर दो क्वांटिटी और आ गए, ठीक है, I और T आ गया, करंट आ गया और टाइम आ गया, ठीक है। यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, देखिए आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से कुछ मिलेगा, Q बराबर क्या मिलेगा, I इंटू टी, यहां से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या मिला, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q को हटाइए, I इंटू टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक रिलेशन बना। लेकिन इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी जिसको आप हिंदी में समानुपाती बोलते हैं इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। ये समानुपाती 7वां 8वां क्लास में पढ़ने को मिलता है, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है भाई मैं बढ़ूं तो तुम भी बढ़ोगे, मैं घटूं तो तुम भी घटोगे, ये प्रोपोर्शनल का रूल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूल मैंने बताया, तो ये देखिए W प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है, ये कांस्टेंट उस रिलेशन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी साइंटिस्ट ने इसका रिलेशन निकाला और उसका नाम दिया जेड, Z सिर्फ एक कांस्टेंट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये हो गया I T, यहाँ से हम लोग का एक नया रिलेशन बना और इसका नाम है W इज इक्वल टू जेड आई टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काम आएगा। अब आप पूछेंगे सर इसमें सारे क्वांटिटीज का नाम बताइए, तो मैं एक एक करके नाम बता देता हूँ। I को यहाँ बोलते हैं करेंट, ठीक है, करेंट फ्लो, करेंट, ठीक है, फ्लो इन, ठीक है, करंट फ्लो इन कंडक्टर या इन, ठीक है, सीधे लिखो ना करंट, ठीक है। और किस में लेना है, एम्पियर में, एम्पियर में। टी टाइम, ठीक है, सेकंड में लेना है यहाँ पर। और जेड इसी को क्या कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, ठीक है, जेड इसको कहा जाता है ई सी ई, ध्यान देंगे, ठीक है, इसका नाम है कांस्टेंट बोलते हैं और इसी को कहा गया ई सी ई, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, नाम देख लीजिए, ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। अब ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन, ये फर्स्ट लॉ आपके पास आया, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय ECE। ठीक है, तो ECE का डेफिनेशन तो देना पड़ेगा ना आपको, तो यही बात मैं आपको अब डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, ऐसे इसे न्यूमेरिकल बनाऊंगा। ठीक है, W का मतलब हो गया कितना ग्राम डिपॉजिट या लिब्रेट हुआ, Z एक कांस्टेंट है जिसका कि मैं मान निकाल के दिखाऊंगा, और कुछ मान दिया भी रहता है किताबों में, W किस सब्सटेंस के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, अलग अलग Z का मान होता है। I का मतलब हो गया, ठीक है, करंट कितना फ्लो किया, और T कितना समय तक ये करंट फ्लो कराया गया, कितना समय तक, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इस दोनों को हटाएंगे तो क्यू रख सकते हैं, आई टी की जगह क्यू यूज किया जा सकता है। तो W बराबर ZIT मेरा फैराडे फर्स्ट लॉ का रिलेशन आया, और इससे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड लॉ तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहला, अब इसमें क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर ECE कुछ समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हम लोग को अब क्या समझना है, ECE क्या होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन अगर आ गया डिफाइन ECE, ये क्वेश्चन आ गया, ECE को डिफाइन कीजिए, तो इस तरह का डेफिनेशंस बहुत इजी वे में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन खुद से सिखा दूंगा, इन्हें रटना है डेफिनेशन, ऐसे नहीं, कभी भी इस तरह का डेफिनेशन, कांस्टेंट का डेफिनेशन जनरली जब भी निकालना होता है, तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े थे, तो बोले हाँ सर ये तो जानते हैं, एकदम जानते हैं, इसमें रो कांस्टेंट होता है। अगर कोई पूछ देता है रेसिस्टिविटी है, इसका डेफिनेशन करो, तो आप क्या लेते हैं, एल का मान 1 सेंटीमीटर, ओके, ए का मान, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी राइट साइड में इसके साथ होता है सब का मान 1 रख लेना होता है, इससे ये इसके बराबर हो जाता है, और वही इसका डेफिनेशन भी हो जाता है। तो जनरली जितने भी कांस्टेंट होते हैं सब का डेफिनेशन ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो हम भी इसका डेफिनेशन आपको निकाल के दिखाते हैं। चलिए आइए, जब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू ZIT, हम लोग जानते हैं ZIT होता है। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, कितना लेना है, I का मान कितना लेना है, 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, T का मान 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए आपको प्रवाहित करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ECE निकालना होगा तो 1 एम्पियर का धारा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में 1 एम्पियर का धारा देना है, और कितने सेकंड तक देना है, 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर का धारा 1 सेकंड तक अगर आप देते हैं, ठीक है, उस समय जितना वेट डिपॉजिट होता है, उस समय जितना वेट डिपॉजिट या लिब्रेट होता है, उस वेट को ECE कहा जाता है, उसी को Z कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं W बराबर Z इंटू 1 इंटू 1, यानी W बराबर Z, यही है Z का मान। ठीक है, when डेफिनेशन बना रहा हूँ, when 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, देन वेट ऑफ सब्सटेंस लिब्रेट और डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने क्या समझाना चाहा, ECE कोई भी डिफाइन करने के लिए कहेगा तो सर बोलना है ECE एक प्रकार का वेट है सर। ठीक है, तो बोलना वेट तो सर ये भी है, W को भी वेट बोलते हैं, लेकिन बताना स्पेशल केस, जब हम 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड तक देंगे, उस समय जितना वेट जमा होगा उतने उतना, मैंने 1 एम्पियर और 1 सेकेंड का
एक सेकंड का समय और एक एम्पियर धारा देने पर जितना वेट जमा हुआ उसी वेट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो एक छोटा सा बात आया मैंने, एक छोटा सा आज पहला लेक्चर में, इस 13वें लेक्चर में मैंने आपको छोटी सी बात बताई फर्स्ट लॉ। इसमें स्लो था, नेक्स्ट लेक्चर में और तेज रहूंगा और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट फैराडे लॉ डिटेल समझाना होता है, इससे बहुत अमेरिकन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इसलिए अच्छे से इसको देखिए, समझिए, धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश की। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आपके पास नंबर है, ठीक है। और हम लोग जल्दी ही अब सिलेबस के लास्ट पोजीशन पे हैं, बहुत सारे कोचिंग बिना सिलेबस ख़त्म किए ही थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर बिना सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म किए थर्ड सेमेस्टर जल्दी पैसे कमाने के लिए अगर ऐसा कोई करता है तो बेकार है। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, 10 जुलाई के आसपास हम लोग थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारे टीचर्स आएंगे और मैं आपको हर एक फैकल्टीज़ से मिलाऊंगा, ठीक है। लक्ष्य की जो फैकल्टी टीम है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर सभी लोग एक जगह खड़े हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टीचर भारती सर कहाँ दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। मतलब कम से कम 25 फैकल्टीज़ हमारे पास हैं अभी टोटल मिला करके। अभी जितने फैकल्टीज़ आप मिले हैं उनमें से एक भी फैकल्टीज़ ऊपर नहीं दिखेंगे एक्सेप्ट भारती सर, हमको छोड़कर कोई भी ऊपर के फैकल्टीज़ में नहीं जाएगा, ठीक है। साकिब सर जा सकते हैं, मैथ्स का पेपर है, साकिब सर जा सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं जाएगा, सब के सब, ठीक है। हायर फैकल्टीज़ ऊपर के सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे, राजीव सर मेरे गुरुजी हैं वो मिलेंगे, प्रीतम सर वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रवि सर आईएसएम धनबाद, सुनील सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमटेक, ठीक है, कुणाल सर, ठीक है, एक से एक टीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कहेंगे इस सिविल के आपके सर हैं रजनीश सर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है। सभी का टीचिंग स्टाइल वन ऑफ द बेस्ट है, बिना टीचिंग स्टाइल समझे या देखे आप कोई भी कोर्स परचेज नहीं करें। अभी ऑनलाइन कोर्सेस ही चलेंगे, ऑफलाइन अभी सरकार हमारे इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट को ओपन नहीं कर रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगे। बिना टीचिंग जाने या देखे कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने से कुछ दिनों बाद मैं बुक्स के बारे में, आपके सेमेस्टर के बारे में जानकारी देने आऊँगा, वीडियोज़ बना के दूंगा, लेकिन अभी पहले सिलेबस हम लोग को फोकस करना है सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद, ठीक है। बीच में मत छोड़िए किसी टॉपिक को, जो कड़ी होता है ना टूट जाएगा और अगला सेमेस्टर का सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। और प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बिना सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म किए थर्ड सेमेस्टर पे कूद चुके हैं, ठीक है। जल्दी पैसा कमाना है, हमें नहीं कमाना है, हमको आपका नाम चाहिए बस, ठीक है। आप मेरे को समझते हैं, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस ये बात आप कहीं नहीं जाएंगे, और अपने साथ 2, 4, 10, 20 जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप कन्विंस करेंगे कि हाँ यहाँ इस क्लासेस की पढ़ाई ठीक चलती है, अच्छी है, ठीक है। बाकी क्या प्राइस होगा कोर्सेज का, कौन कौन से किताबें होंगे, कौन कौन से फैकल्टीज आपके सामने होंगे, वो सारी जानकारी जल्द ही 1 से 2 दिन में आपके पास चली जाएगी। इस लेक्चर को देख रहे होंगे, 5 मिनट मैंने बर्बाद किया इस लेक्चर में जानकारी देने के लिए, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो फैराडे का सेकंड लॉ 14वें लेक्चर में आएगा, कल ही आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।